सारा प्रणाम, सारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज विद सलमान। हम अपने अतिथियों से आज आपके परिचय कराएं, उससे पहले आपको दिखा लेते हैं अब तक की सुर्खियां। सुर्खियां, सह प्रायोजक उकाया बैटरीज, उकाया बैटरी ने महंगाई की कमर तोड़ दी। उकाया बैटरी रुपीज 6,990 एंड एक्सचेंज ऑफर रुपीज 5,990 ऑल इंक्लूसिव। माइक्रोटेक 1 KVA ऑनलाइन UPS नाउ एट रुपीज 11,990 ओनली। और MDH, हमारी संस्कार ही हमारी पहचान, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया MDH। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति ने पद पर बने रहने को कहा। बीजेपी के हार पर राणे ने कहा शिवसेना पतन की राह पर, भारतीय जनता पार्टी हारी मोदी के कारण। सेंसेक्स में 1300 अंकों की जबरदस्त उछाल, दिन भर के लिए बाजार बंद, निफ्टी भी 530 अंक ऊपर। और माड़ा के 784 मकानों की कल निकाली जाएगी लॉटरी, लाखों लोग हैं कतार में। हम आज चर्चा करेंगे इस विषय पर कि नई सरकार बनने की दिशा में जो बातें हो रही हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होना है, यूपीए काफी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद सत्ता बनाने की दिशा में अग्रसर है, उसका बाजार पर क्या परिणाम पड़ेगा, आज आपने देखा किस तरह से उछाल आया। इस विषय पर हमारे साथ आज तीन अतिथि मौजूद हैं, हम उनसे बातें करेंगे। ओनली रूपानी जी हमारे साथ, और प्रोफेसर एजी अय्यर और संजय बंसल जी हैं, तीन अलग अलग विधा के, तीन अलग अलग बाजार के विशेषज्ञ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हमारे साथ। अय्यर साहब तो आप मैगजीन वगैरह भी निकालते हैं आप, एनर्जी के विशेषज्ञ भी हैं, एनर्जी और इंफ्रा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था। क्या बात है, तीनों अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़कर। रूपानी साहब आपकी क्या क्या खासियत? हम लोग इक्विटी रिसर्च में है और हमारा एक डिविजन है आम रिसर्च के नाम से, जहाँ 20 लोग काम करते हैं और इक्विटी रिसर्च के ऊपर हमारा मेन काम है जी। संजय जी आप तो सारा जोड़ घटाना आपके हाथ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ जी, और ज़्यादातर टैक्सेशन और ऑडिट्स के मैटर देखते हैं, बाजार पर नज़र रखते हैं खासकर। बाजार पर नज़र एक मान लीजिए हमारी क्वालिफिकेशन के साथ में ही जुड़ी हुई है बाजार पर नज़र रखने की आदत, तो बाजार से जुड़ी हुई कुछ बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा लेते हैं कि LTTE के प्रमुख प्रभाकरण मारा गया है। जी हाँ, श्रीलंका की सेना इस खबर की पुष्टि कर दी है, सेना ने इस बात की खबर की पुष्टि भी कर दी है, उसने एक वीडियो फुटेज भी जारी किया है। श्रीलंका की सेना का कहना है कि लिट्टे और श्रीलंका सेना के बीच चल रहे संघर्ष में प्रभाकरण मारा गया है। सेना के मुताबिक प्रभाकरण एक एम्बुलेंस में छुपा हुआ था, जब सेना ने इलाके का घेराव करना शुरू किया तो उसकी कोशिश सेना से बच निकलकर भागने की थी, लेकिन इसी दौरान हुई फायरिंग में सेना ने उसे मार गिराया। हालांकि सेना ने यह भी कहा है कि DNA जांच के बाद वो इस बात की औपचारिक रूप से पुष्टि करेगी कि प्रभाकरण सचमुच मारा गया है। सेना ने उसके बेटे चार्ल्स एंथोनी के भी मारे जाने का दावा किया है। चार्ल्स के साथ लिट्टे के साथ 6 टॉप कमांडर भी मारे गए हैं, इनमें लिट्टे के राजनीतिक शाखा के मुखिया बी नादेसेन और पीस सेक्रेटरिएट के मुखिया भी शामिल हैं। 24 साल का चार्ल्स लिट्टे की एयर विंग का मुखिया था और उसने आयरलैंड से एरोनॉटिक्स इंजीनियर में डिग्री भी हासिल की थी। चार्ल्स 2006 में श्रीलंका लौटा था और तभी से लिट्टे की एयर विंग की अगुवाई कर रहा था। एक अध्याय का अंत हुआ, अगर प्रभाकरण सचमुच मारा गया है तो आतंकवाद के एक अध्याय खत्म हुआ है। दूसरी तरफ अगर आतंकवाद ने सर उठा रखा है तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व पे इस बात की निंदा हो रही है और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरा विश्व एक पथ पर अग्रसर है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाजार की, बाजार में हो रही गतिविधियों की। रूपानी साहब पहले आपसे शुरू करते हैं, आज एक तो चीजें कुछ चीजें वो एक इंडेक्स का उठना, फिर दो बार बंद होना, किस सेकंड के लिए खुलना, वो क्या चीज थी आज जरा हमारे दर्शकों को समझाएंगे जी। जैसे हम सबको पता है कि UPA पावर में आ गया जी, ठीक है, मेजोरिटी के साथ आया, तो ये मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि भाई एक मेजोरिटी पार्टी रहेगी लेकिन कहीं ना कहीं खिचड़ी सरकार बनेगी, लेकिन खिचड़ी के बदले खीर मिल गई। तो खीर के मिलते वक्त जो एक्साइटमेंट था मार्केट में खुलने वक्त, 30 सेकंड में ही बाजार 15% ऊपर चला गया, जबकि सर्किट का ये नियम है कि 10% पे पहला सर्किट फिटर लगता है, लेकिन कुछ कारणवश वो 15% फर्स्ट 30 सेकंड में ही हो गया और सर्किट लग गया। 1,000 करोड़ का काम हुआ और बाजार बंद हो गया, और सिंस 15% के लिए बंद हो गया था तो 2 घंटे के लिए मार्केट बंद कर दिया गया,
अब मार्केट शुरू होना था 11:55 को जी, 11:55 को फिर से मार्केट शुरू हुआ, ठीक है। 2000 करोड़ का और काम हुआ, 5% की और सर्किट लग गई, 20% का उछाल आज बाजार ने लगाया है, 17.4% एवरेज क्लोजिंग रही है, 3000 करोड़ का सिर्फ काम हुआ है और बाजार में आज गोल्डन मंडे के नाम से आज बंद हुआ है। ये अचानक इस उछाल के पीछे सब क्या देखते हैं आप? मैं इस परिस्थिति को थोड़ा सा अलग से देखता हूं। हम अभी इसके पॉलिटिकल पहलू पर आते हैं। एकदम इकोनॉमिक बताता हूँ, जो देख रहे हैं लोग, इन्वेस्टर देख रहे हैं, स्मॉल निवेशी देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी ये सबसे बड़ा सट्टा था। ये जब गिरा था मार्केट तब भी एक सट्टा था, बेयर्स ने बनाया पैसा, आज भी बुल्स ने बनाया। और अगर आप रात को सोए नहीं है और अच्छी तरह से दूसरे स्टॉक मार्केट देखते हैं, एनालिस्ट हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु आर कमेंटिंग टुडे, मैं ये कहना चाहता हूं कि कल जितने लोगों ने दुनिया भर के बाजार में पैसा नहीं लगाया, देश को अपने देश के मार्केट में पैसा लगा के फटाफट भागने का प्रयास है। ये 4 दिन के अंदर ये सारा FII का पैसा है, किसी भी इंडियन बिजनेसमैन का पैसा नहीं है। मैं रोज डील करता हूं इंडिया के टॉप बिजनेसमैन के साथ, मैं आपको बता रहा हूं आज जो मंदी है, मंदी मंदी बोल के हमने मंदी का असर लाया है, डरा दिया लोगों को। इसमें बैंकर इन्वॉल्व है, हमारी इंडस्ट्री का कोई गलती नहीं है, इसमें हमारे बैंकर्स की गलती है। RBI के सारे स्टेप्स के बावजूद भी बैंकर्स ने एक वीक सरकार के होते हुए पूरा फायदा उठाया। तो आज मैं ये जो बोलता हूं कि ये टेम्पररी है, इसमें कोई किस तरह से आप एक्सप्लेन, मैं बोलता हूं कोई भी इन्वेस्टर इस वक्त पैसा नहीं डाले, 4 दिन मजे ले इसका, बिल्कुल बराबर मार्केट वापस आ जाएगा, उसके बाद आप जरूर लीजिए स्टॉक को, जब वो गिर रहा होगा तब लीजिए। क्योंकि उस पर आते हैं कि किस तरह से ले, कब ले, क्या ले। ये पैसा इंडियन पैसा नहीं है सर, ये पैसा इंटरनेशनल पैसा है, शॉर्ट टर्म में इसको लेके फ्लाइट ऑफ कैपिटल दूसरा राउंड। देखिए विश्व भर में अगर आप इस चीज को देखेंगे, पूरा हमारे आसपास की परिस्थिति बेकार है। श्रीलंका में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। हमारे देश की जनता ने एक बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया, मैं इसमें बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, एकदम न्यूट्रल बात कर रहा हूं, कि एक स्थिर सरकार और 2-पार्टी सिस्टम की तरफ टेक्निकली जाना, और बाकी जो रीजनल पार्टी, रीजनल मुद्दा ही नहीं था, हम देश का नेता चुन रहे थे, देश की सरकार चुन रहे थे। हमारे देश की जनता ने बताया कि हम बड़ी मेच्योर डेमोक्रेसी हैं, हम ये कर सकते हैं इतने वर्स्ट टाइम पे। और दक्षिण मतलब एशिया के अंदर इन्होंने एक बड़ी अच्छी राजनीति का मिसाल दिया है, एंड वी आर मोर पावरफुल, ओबामा की विक्ट्री से ज्यादा पावरफुल, शायद उसीलिए ओबामा की दो बार ओबामा की विक्ट्री से, मैं ये बोलना चाहता हूं अमेरिका के ओबामा की विक्ट्री कुछ नहीं थी, ये जो वापस मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट को भेजना और मैसेज देना, ये अपने देश की विक्ट्री है और दुनिया भर में गणतंत्र की विक्ट्री है। संजय क्या कहेंगे? दो चीजें, एक तरफ उछाल पर बहुत सटीक प्रतिक्रिया है रूपानी जी की, दूसरी तरफ उससे सचेत रहने का दावा है आईएस साहब का। नहीं, इसमें कोई भी शक नहीं है कि जहां भी इस तरह की उछाल आती है, या इनफैक्ट अगर इस तरह की गिरावट भी आती है, तो दोनों ही परिस्थितियों के अंदर इन्वेस्टर को सचेत रहने की जरूरत है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन जहां प्रोफेसर साहब का जैसे विचार है कि ये बाहर का पैसा है, हो सकता है बाहर का पैसा हो, लेकिन जो सकारात्मक रुख जो बाजार को मिला है राजनीतिक परिस्थितियों से, उसका कहीं ना कहीं इस बाजार के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ा है। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूँ कि जो प्रभाव पड़ना चाहिए था, ये जो आज हुआ है वो उससे कहीं ज़्यादा हुआ है, मेरी भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा हुआ है, मेरी अकेले की नहीं, आप प्रेस में देखिए, मीडिया में देखिए, सबकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। एक्सपेक्टेशन तो सरकार के आने की नहीं थी, सरकार इस तरह से सरकार खिचड़ी, मेरा मतलब है सरकार के आने की, मैं शनिवार के बाद की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वही स्थिति हो रही है। परिणाम पहले तो परिणाम, इस परिणाम की अपेक्षा नहीं थी राजनीति में, दूसरी तरफ इस तरह के अगर परिणाम आए तो ये भी हो सकता था, ये भी आशा, ये आशा नहीं थी। शनिवार को जो हुआ उसकी हमें आशा थी या नहीं, वो तो हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं आज के बाजार की, आज के बाजार में जो हुआ उसकी बिल्कुल भी आशा नहीं थी, बाजार में जो हुआ उसकी भी आशा नहीं थी, और इससे पहले बहुमत की तरफ UPA बढ़ जाएगी इसकी भी किसी ने आशा नहीं की थी। और आशा और निराशा के बीच झूलते हुए इन्वेस्टर क्या सोचते हैं और हमारे अतिथि इस पर क्या राय देते हैं, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। खबरों के साथ कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। अपना हम न्यूज एंड व्यूज विद सलमान का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नई सरकार के गठन के साथ ही बाजार में आई मंदी के खिलाफ जिस तरह का माहौल बना है, मंदी, एक तरफ मंदी का रोना रोया जा रहा है, दूसरी तरफ बाजार तेजी से उछला है, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स हैं। एक तो आपने जो कहा था अय्यर साहब ने, उसके एकदम
बात आपसे आपकी बात से इत्तेफाक रखते हुए आगे बढ़े, लेकिन उसमें नई चीजें उन्होंने जोड़ी, तो कितना सहमत है आप उससे? मैं ज्यादा सहमत नहीं हूं उनसे। फॉरनर्स का और विदेशी पूंजी निवेश हुआ, ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं, एफआईआई का इन्वेस्टमेंट 1992 से चल रहा है, जब पहली बार प्रधानमंत्री वित्त मंत्री अपने मनमोहन सिंह बने थे, तब से एफआईआई मनी इंडिया में आना शुरू हुआ। पहले 8 साल में उन्होंने सिर्फ 4 अरब 4 बिलियन डॉलर इंडिया में लगाया था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करते उन्होंने लास्ट 5 सालों में 68 बिलियन डॉलर इंडियन मार्केट में पंप किया था। अभी 68 बिलियन डॉलर काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है इंडिया के लिए, इंडिया जैसे छोटे इमर्जिंग मार्केट के लिए। और हमने देखा लास्ट ईयर 08 में ऑलमोस्ट 17 से 18 बिलियन डॉलर उन्होंने फिर से माल मार्केट में बेच दिया। तो जब उन्होंने विकवाली शुरू करना की चालू की तो 21,000 से सेंसेक्स लुढ़क कर 7,700 आ गया। तो सिर्फ 14, 15, 16, 17 बिलियन डॉलर की सेलिंग से मार्केट कोलैप्स हो गया। अब इनका सामना किसने किया? इसका ब्रेव सामना हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने किया। तकरीबन 12 से 14 बिलियन डॉलर का माल इन्होंने एक साल में खरीद लिया, तो एफआईआई मनी का सामना उन्होंने किया। अब ये एफआईआई मनी है या नहीं है, या एफआईआई मनी क्वेश्चनेबल है, इसमें अगर आप ठीक से ध्यान दें तो आपको पता लगेगा ये शायद इंडियन पॉलिटिशियन मनी भी हो सकता है। ये सिर्फ बाहर से अपने देश में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता, हो सकता कि ये सिर्फ बाहर वालों का पैसा है। तो ये मूलतन बोलना कि भाई एफआईआई मनी है, बाहर का पैसा है, ये एकदम गलत आर्गुमेंट है। तर्क होगा ना कुछ आपका? मैं बड़ा क्लियर तर्क बताता हूँ। ये अभी एक डायरेक्शन ये खुद ही बोल रहे हैं और कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि इंडिया के मतलब इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको बचाया, तो ये खुद ही ये बात मान रहे हैं कि ये पैसा नहीं था, और अभी ये पॉलिटिशियंस पर डाल रहे हैं, बड़ी ओपनली डाल रहे हैं, तो ये तो आर्गुमेंट बड़ी गलत होगी। एफआईआई मनी का तो हमारे पास सॉलिड एविडेंस है, चिदम्बरम साहब ने चाहे गलत काम किया हो, मैं चिदम्बरम साहब के पॉलिसीज को मानता नहीं था, लेकिन एक बात जरूर थी, उन्होंने एफआईआई मनी को प्रॉपर रूट से लाने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे, ये बात बहुत दूर की नहीं है। और तब मार्केट गिरा था, और ये बात भी बोल रहे हैं 17 बिलियन डॉलर के विड्रॉल से मार्केट गिर गया। मेरा पहला तर्क है 1.2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी में 17 बिलियन डॉलर होते क्या है, तो इसका क्या मतलब है? ये जरा सा हमको किसने निकाला होगा, बड़ी सिंपल निकाला होगा, क्या मार्केट को डाउन करने की नीयत थी? बड़ी सिंपल सी चीज है, देखिए आज यूरोपियन इकोनॉमी है, कहीं भी देखिए कहीं डेमोक्रेसी नहीं चल रही है दुनिया भर में। अमेरिका में भी अमेरिकन ने जितना भी वोट किया ओबामा को लाए हैं, उसके बाद यह 100 दिन के ऊपर जो काम कर गए ओबामा, उन्होंने इकोनॉमी का एक रत्ती भर भी उन्होंने मॉडिफिकेशन नहीं किया है। अमेरिका का भट्टा बैठा हुआ है इस वक्त। मैं आपको मेरा इंटरनल इन्फॉर्मेशन बोलता हूँ कि चाइना के अंदर जो पावर की मशीनरी की कंपनियाँ हैं, 4 बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके पास करीबन 30% माल बना हुआ पड़ा है जो कंपनियाँ ले नहीं रही हैं और पेमेंट नहीं दे रही हैं। रिसेशन चाइना की तरफ आ गया है, ये केवल इंडिया के अंदर है जो टेक्निकली रिसेशन नहीं आया। मैं उसका क्रेडिट किसे दिया जाए? शायद एक वजह यह भी रही कि रिसेशन का जितना प्रभाव पूरे विश्व में देखा गया उसके मुकाबले में भारत में इसका प्रभाव बहुत कम रहा, और इसका शायद क्रेडिट भी यूपीए ने लिया। और ऐसा लगा कि एक तरफ एक अर्थशास्त्री हमारा प्रधानमंत्री है, दूसरी तरफ इससे पहले गृहमंत्री बनने से पहले चिदम्बरम को भी बेहतर के रूप में देखा जाता था, मुंटेक सिंह अलेवालिया। वो मैं एक चौखी बात कहना चाहता हूँ जी, पॉलिटिक्स से हटके देश की अगर अच्छी राजनीति हो, मैं कहता हूं कि सारा अच्छा काम वाजपेयी साहब के टाइम पे हुआ। जितना बीजेपी गलत काम करे, बीजेपी का मुद्दा ही गलत था, डेवलपमेंट का मुद्दा छोड़ दिया उन्होंने। जहां तक यूपीए का सवाल है, हमारी जो राजनीति मनमोहन सिंह साहब कर रहे हैं वो केवल उससे आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले नरसिंह राव के टाइम पे एक वीक गवर्नमेंट आई थी जो चली थी 5 साल, उसके बाद सेकेंड राउंड में गठबंधन की राजनीति, कंफ्लिक्ट वर्सेस कॉन्सेंसस वाजपेयी साहब लेके आए, उसका सर्टिफिकेट आप एक रत्ती भर 1% डिस्काउंट देके नहीं आप ले सकते। वाजपेयी जैसा लीडर कभी भी नहीं था बीजेपी में और कभी ना रहेगा, क्योंकि वो सबको लेके चलना चाहते थे। बीजेपी की राजनीति फिरका फस्त्र की राजनीति भी, आज इकोनॉमी की राजनीति कोई नहीं थी इसलिए मार खाई। जहां तक यूपीए की राजनीति थी, ये पूरा चुनाव आपको लगता है कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर हुआ, बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए, सारे मुद्दों को सब पॉलिटिकल कैंपेन सबके खराब हो गए। कांग्रेस के अंदर एक अच्छी चीज थी कि उन्होंने युवा नेताओं को आगे रखा, युवा नेताओं ने कोई गलती नहीं की, उनका कोई बैलेंस शीट नहीं है खराब काम करने का, ठीक है। राहुल गांधी का कोई भी बैलेंस शीट नहीं है, आज राहुल गांधी दिल से बात करते हैं, वो कम से कम 5-7 साल जब राजनीति में रहेंगे तो राजीव गांधी के साथ जो हुआ वो उनके साथ भी हो सकता है कल पॉलिटिकली। तो मैं एक कॉशन के साथ बोलना चाहता हूँ, अच्छी शुरुआत है कांग्रेस की, और बीजेपी भी आज एक अच्छा लेसन है कि आज गलत राजनीति को ना लेके, हिंदू मुसलमान और ये फालतू झगड़े ना करके, देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ऊर्जा, आज 16 घंटे हमारे गांव में बिजली नहीं रहती है। मैं रहता हूं डोंबिवली में सर, मेरे यहां 6 घंटे बिजली जाती है और मेरे को दुख होता है। मलाबार हिल में मुंबईकर नहीं रहता है, मुंबईकर वहां भी रहता है, और ये राज ठाकरे
सारे आम गुंडा आदमी है, मैं सामने बोलना चाहता हूं आपको, गुंडे को गुंडा बोलिए जी और इसकी राजनीति खत्म करिए। कितनी सीट आई उनकी, नहीं आई ना सीटें, लेकिन जिस इन बातों को बिना डर से और संजीदगी से सच्चे से अगर ये गुंडागर्दी छोड़ दें, ठाकरे साहब गुंडागर्दी छोड़ दें तो वो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छे लीडर बन सकते हैं। जिस सरकार को आप उसको उस सरकार के प्रति आप बहुत स्नेह दिखा रहे हैं, यूपीए सरकार, सरकार को बनाने में कम से कम पांचों सीटों पर कहीं ना कहीं एमएनएस का रोल रहा होगा सरकार बनवाने देने में। एक बात बोलना चाहता हूँ, ये रोल वोल छोड़ दीजिए, एक बात बताइए, मैंने आपको बताया यूपी में जो काम मनमोहन सिंह साहब ने किया है, गुड गाय, गुड वेल मीनिंग इंडियन, एक बात से आपके और मैंने वाजपेयी साहब का भी बोला कि उन्होंने भी बड़ी अच्छी राजनीति की, तो उसको भूलिए मत, 10 साल में हमने अच्छे नेता थ्रो किए, एक न्यू उन्होंने रखी, आपको लगता है कि उन्होंने एक न्यू रखी, उसे बढ़ाने का काम मनमोहन सिंह ने किया। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके गठबंधन की राजनीति थी, पहले तो गठबंधन की राजनीति को लेकर यहाँ के आम मतदाता तक ही थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ करता था और निवेशक तो मार्केट डाउन होती ही थी, उसे डर लगता था कि सरकार चलेगी नहीं चलेगी, कौन कब समर्थन ले लेगा। एक बड़ी बात हुई है जिस पर हम बाद में आएंगे कि लेफ्ट के समर्थन लेने के बाद से लोगों को लगने लगा है कि शायद अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी कुछ और भी बेहतरी हो सकती है और उसके लिए मनमोहन सिंह को ही जिम्मेदार माना जा रहा है कि वो बेहतर कर सकते हैं क्योंकि एक अर्थशास्त्री इस देश का प्रधानमंत्री है। इसमें कोई दो राय नहीं है जी, इसका तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। देखिए राजनीतिक परिणामों में मुझे नहीं लगता है कि शत प्रतिशत योगदान आर्थिक सुधारों का या आर्थिक बदलावों का ही रहा है, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जो सब हम सब जानते हैं। इसमें कई तरह की चीज़ें होती है जो इनके पार्टियों के प्रचार प्रसार में भी आती है, लेकिन जहां तक हमारे ओरिजिनल मुद्दे का सवाल है, रिसेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे जी। ओन और प्रोफेसर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ही बिना किसी राजनीतिक दल की गतिविधियों में जाते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपने बीच में एक सवाल पूछा कि हम पे इतना इफेक्ट क्यों नहीं आया रिसेशन, वो एक बहुत बड़ा सवाल है और लोग जानना भी चाहते हैं और बेहतर तरीके से अगर उन्हें समझाया जाए तो शायद वो उससे पॉजिटिव ले। एक इकोनॉमिक रीजन है, आप बोलिए मैं बताऊंगा फिर। मेरे विचार से दो बहुत अहम मुद्दे हैं इस चीज के। पहला है हमारी बचत दर का, हमारी बचत दर आज भी कई संजय जी आपके पास लौटते हैं, एक बेहतर बात हम करने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे कि सचमुच रिसेशन का प्रभाव हमारे देश पर क्यों नहीं हुआ। संजय और अय्यर जी और हमारे साथ रूपानी जी इस विषय पर बात करेंगे कि सचमुच जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, भारत में उसका असर कम रहा और कहीं ना कहीं यूपीए सरकार ने इसका क्रेडिट लिया। अय्यर जी की माने तो इसकी नींव अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के जमाने रखी गई थी तो उसे बढ़ाने का काम मनमोहन सिंह ने किया। हम इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे रिसेशन की और रिसेशन के भारत पर इस पर प्रभाव क्यों नहीं ज्यादा पड़ा, इस पर हम संजय हमसे कुछ बता रहे थे। संजय जी जी मैं बता रहा था, एक तो जो हमारी सेविंग्स रेट है, जो मैं मानता हूँ प्रोफेसर साहब मुझे सही करेंगे अगर मैं गलत हूँ, तो मेरे ख्याल में करीब 38% जीडीपी की 38% तक हमारी सेविंग्स की रेट है, 32.5 और दूसरा हमारी जनसंख्या जिसको हम अभिशाप मानते रहे हैं, मेरे ख्याल में जो हमारी इंडस्ट्रीज को बचाने के पीछे एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी जनसंख्या का, क्योंकि इस जनसंख्या की बदौलत ही जो घरेलू कंजम्पशन है वही इतना था कि उनको बाहर वाले लोगों पर ज़्यादा भरोसा करने की या डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ी, ये काफी बड़ा फैक्टर रहा है। अब बात आती है, यानी हमें हर जगह पर लेबर मिलते रहे, हर लेबर भी मिलते रहे और कंज्यूमर भी मिलते रहे, खाली लेबर नहीं, कंज्यूमर दोनों तरफ से। सबसे बड़ा फैक्टर था कंज्यूमर का, क्योंकि आपके आपके इकोनॉमी के अंदर डिमांड रिसेशन था और स्लोडाउन था, उसके से डिमांड रिसेशन था, हमारे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में कहीं कोई कमी नहीं थी और जहां तक पैसे का सवाल है 2008 तक पैसा आने में भी कोई कमी नहीं थी। अब मैं आता हूं उस बात पर कि अगर एफआईआई का पैसा नहीं हो तो क्या हो, हम ये बोलते हैं कि एफआईआई का पैसा आया इस वजह से मार्केट बढ़ा और उसका कुछ पोर्शन बाहर गया तो मार्केट एकदम से गिर गया जब हमारी इंश्योरेंस कंपनियों ने उसे बचाया। मेरा ये मानना है कि अगर ये जो सेविंग्स है हमारी 38% या 33% जो भी जी, अगर इस सेविंग्स को हम हमारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर रूट कर दें, मैं सिर्फ शेयर बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बीमा भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर उस फाइनेंशियल मार्केट में इस सेविंग्स को रूट कर दिया जाए, जिसके कि प्रयास पिछले 3 साल से पीछे दम्बरम जी के टाइम से शुरू हो चुके हैं,
अगर वो रूट कर दिए जाएं तो हमें शायद बाहर के किसी भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें यानी बेहतर भीतर ही भीतर काम हो सकता जी, जो पूंजी की जरूरत हम बोलते हैं कि हमारे उद्योगों को है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है, हमारी सरकार को है, आम आदमी को है, वो पूंजी की जरूरत हम अपनी खुद की सेविंग्स, खुद की बचत से ही पूरी कर सकते हैं। इतनी व्यवस्था है, इससे ज्यादा है। मेरा ये मानना है कि पिछले 92 से लेकर 17 साल के अंदर भारत में जो पैसा आया है नेट, आउटफ्लो को गिन के नहीं, अगर जो नेट पैसा है उससे ज्यादा की हमारी सेविंग्स है। अब हमारा जीडीपी देखिए, जैसे बताया 1.3 ट्रिलियन का जीडीपी है, उसका 38% काफी बड़ा मायने रखता है। नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा फर्क रखता हूँ कि देखिए, ये बता रहे हैं कि इंटरनल सेविंग्स के साथ होगा, मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ नहीं हो कि होगा, क्योंकि इसकी बात समझिए, साइज और स्केल की बात समझिए। चाइना की जो जीडीपी है वो करीबन 5 ट्रिलियन US डॉलर की है, हमारी 1.2 ट्रिलियन डॉलर की है, और जो अमेरिका की है वो इस वक्त 6.5 से 7 ट्रिलियन डॉलर की है। तो चाइना कितना पास पहुंच गया अमेरिका का, अब ये समझना चाहिए हमें। तो हमारे पीछे रहने का कारण क्या है? कारण सिंपल है, ये जो बोल रहे हैं वही पॉपुलेशन। हमारे यहाँ पर केवल 10% पॉपुलेशन भी इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्टिव इनकम में, ठीक है ना। हमारी ये स्क्यूड डेवलपमेंट है। इनफैक्ट यूपीए को क्रेडिट देना पड़ेगा राजनीति में एक बात पे, उनको इस बात पे उन्होंने ये पिछले 5 साल में असर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम कई गालियां देते हैं लेकिन शरद पवार साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया, एग्रीकल्चरल जो ग्रोथ रेट है उसको 2% से 3.7% ले आए। इसके बारे में कोई इंडस्ट्री वाले बात नहीं करते हैं, मैं भी इंडस्ट्री वालों की तरफ से आता हूँ। दूसरी चीज है हमारे रिलायंस के अनिल अंबानी साहब, मैं बिना डर से बोलना चाहता हूँ कि कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्त को ऐसा करना चाहिए, कम से कम वो जो शासन का पावर प्लांट है 4000 मेगावाट और जो बाकी है कम से कम 12-15 हजार मेगावाट एग्जीक्यूट करे। वो केवल ये बता रहा है फाइनेंशियल क्लोजर हो रहा है, बैलेंस शीट को ऊपर लेके जा रहा है। तो ये अनिल अंबानी जैसे लोग जरा इकोनॉमिस्ट है, बाहर पड़े हुए हैं, जरा सच्चे अपनी जो असली नेटवर्थ दिखाएं। इनमें इतनी ताकत है, मैं ये सेविंग्स की ताकत नहीं मानता हूं। हमारे 15 से 20 पूंजीपति इनमें इतना दम है। और पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर डिबेट खत्म करें, दोनों मिलके आए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाएं। मैं बोलता हूं अमेरिका क्या कोई भी देश हमसे लड़ नहीं सकता, और चाइना तो कहीं नहीं खड़ा रह सकता। इस दिशा में कदम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल। इसलिए मेरी जो ऑब्जेक्शन है इस बात की है कि हम जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसकी सेविंग की तरफ नजर डाल रहे हैं, गलत है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये स्मॉल ये सेविंग्स का पैसा शेयर बाजार में ही जाना चाहिए। मेरा मतलब था फाइनेंशियल मार्केट में जाना चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम जा रहा है लाइव दुनिया के पास जी। किसी इन्वेस्टर को गलत रास्ता मत दिखाइए, उस बेचारे को अपने आज वो सैलरी लूज कर रहा है, आज वो जॉब लूज कर रहा है, मीडिया में भी जॉब लूज हो रहे हैं, लेट अस नॉट टेल द रॉन्ग थिंग। और कंपनीज में पब्लिक आर लूजिंग जॉब रेगुलरली, जेट एयरवेज इज रिट्रेंचिंग पीपल इन बिग वे। तो क्या होना चाहिए हम आपके साथ? लेट अस कम टू द पॉइंट सर, जे हम आते हैं, जे हम आते हैं, नहीं बोले सत्य बोले उस पर क्या। लेकिन सेविंग्स के अंदर जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि सेविंग्स की तरह सर हम तो बच रहे हैं, उस तरफ नहीं ले जाना चाहिए। तो आप एक उनकी कमाई का एक बेहतरीन एवेन्यू आप उनसे लूज करवा रहे हो, इससे अच्छा ही है कि आप सेविंग्स को लेके जाइए और उसका रेगुलेशन अच्छा रखिए, उसका कंट्रोल अच्छा रखिए। आप अपने सेंट्रल बैंक को, ये मुमकिन हो सकता है क्या? मुमकिन नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप मुझे बोलने का मौका दें तो मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाता हूँ। हम छोटी छोटी बातों को छोड़ दें, आम निवेशक नहीं, ये छोटी आम निवेशक से ही बड़ी इंपॉर्टेंट सही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। इंडियन रेस, हम जिसके लिए इतना फाइट कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंडियन रेस की बात कर रहे हैं, ये क्या है? इंडियन रेस सबसे बेस्ट साइंटिस्ट इंडिया के है, विदेशों में रहते हैं। नासा के 25% जो साइंटिस्ट है वो इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट के 30% एम्प्लॉई इंडियन है। अगर आप मुझे बोलने का मौका दें, काउंटर करने का अच्छा मौका, पूरा काउंटर करूंगा। जी जी, बोलिए। ठीक है, नहीं 30% अयर साहब दोनों तरफ से काउंटर। जी बिल्कुल, मैं स्टैटिस्टिक देता हूं आपको। अयर साहब स्टैटिस्टिक सर बेकार की बात है, मैं भी स्टैटिस्टिशियन हूं, ये इसके अंदर का मुद्दा बताऊंगा। आते हैं, यूएस के 30% डॉक्टर्स, जनरल डॉक्टर्स, फिजिशियंस इंडियन है। 23% ऑफ वर्ल्ड्स, पूरी दुनिया की स्किल्ड वर्कफोर्स, माइंड यू आई एम नॉट अगर नॉर्मल लेबर जिसकी ये बात कर रहे हैं या स्मॉलर, स्किल्ड वर्कफोर्स इंडियन है जी। ठीक है, तो 4 में से 1 आदमी स्किल्ड इंडियन है। अब आप मुझे ये बात करते हैं यूएस यहां चला गया, चाइना वहां चला गया, अरे इंडियंस ही बाहर चले गए। अगर ये इंडियन टैलेंट वापस ले आते हैं, अभी मुद्दा क्या है? हायर एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इनको आप लाइए, ये टैलेंट को रिटेन कीजिए इंडिया में, आपकी सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो आपका तैयार है क्या वो? ये अय्यर साहब बताइए। नहीं, मैं एक बड़ा सिंपल सा बात बोलता हूँ, इन्होंने अच्छी बात बोली। मेरे को बताइए, महाराष्ट्र में या दिल्ली में कहीं भी MBA स्कूल्स, टेक्निकल स्कूल, मैं भी पढ़ाता हूँ 20 स्कूल्स में,
मैं आपको बता रहा हूं ये ओन्ड बाय हुम है, 90% ओन्ड बाय पॉलिटिशियंस, ठीक है। इंजीनियर्स हमारे, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और डबल एमबीए हूं, मैंने काफी एजुकेशन लिया, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, हम ये बाल की खाल निकाल रहे हैं, हमारी एमबीए एजुकेशन क्या कर रही है, क्या हार्वर्ड को टक्कर दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती? मैं एक मिनट, क्यों नहीं दे सकती? ये बता रहा हूं, ये आप वजह आपके विचार नहीं, बिल्कुल मेरे में आप में कोई कमी है? आपने जो एजुकेशन लिया आपने कोई कमी है? आप वो बताइए। मैं वो बता रहा हूं, आप मेरे, आप अपनी कमी बताइए कि आप में कोई कमी है? मैं आपको आप सुनिए, हम आपके पास आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं और अय्यर साहब कुछ बातें समझाना चाहते हैं, अभी रूपानी साहब को और बंसल साहब को नहीं समझा पाए हैं, जनता भी समझना चाहती है, दर्शक भी समझना चाहते हैं, लेकिन दर्शक अगर समझ रहे हैं अय्यर साहब की बात को तो गौर से सुने, बातें तीनों हित की कर रहे हैं, देश हित की बात है और कहीं ना कहीं रिसेशन के दौर से गुजरते हुए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमारे दर्शक अगर इसे देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख कर कुछ समझ सके, और रूपानी साहब की एक बात में दम है कि अगर हमारे हमारी प्रतिभाएं हमारे देश में रह जाती तो शायद कुछ नजारा और ही होता। न रुकने के पीछे के कारणों पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज एंड व्यूज विद सलमान का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और खासकर आज जिस तरह के उछाल देखी गई और जिस तरह का मार्केट रहा उसे लेकर उत्साहित हैं कारोबारी और निवेशक भी, हम उस पर चर्चा करेंगे हमारे तीनों अतिथि, और बहुत गर्मा गर्म बहस भी हो रही है साथ ही साथ, लेकिन उससे पहले आपको दिखा लेते हैं सुर्खियां। सुर्खियां सह प्रायोजक उकाया बैटरीज, उकाया बैटरी ने महंगाई की कमर तोड़ दी, उकाया बैटरी ₹6,990 एंड एक्सचेंज ऑफर ₹5,990 ऑल इन, माइक्रोटेक 1KVA ऑनलाइन UPS नाउ इट ₹11,990 और MDH हमारी संस्कार ही हमारी पहचान, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया MDH। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति ने पद पर बने रहने को कहा, मनोज जोशी ने कहा राज और उद्योग एक साथ आए तो बदल सकती है महाराष्ट्र की तस्वीर, बीजेपी की हार पर राणे ने कहा शिवसेना पतन की राह पर, भारतीय जनता पार्टी हारी मोदी के कारण, और बाजार पर चला मनमोहन सिंह का जादू, 18% की बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी, अब कल हो पाएगा कारोबार। हम चर्चा करें इससे पहले आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज अपना इस्तीफा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को सौंप दिया, इसी के साथ 14 लोकसभा आज भंग हो गई, 14वीं लोकसभा आज भंग हो गई, परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से नई सरकार के गठन तक अपने पद पर बने रहने का अनुरोध करते हैं। जानकारी है कि 22 मई तक नई सरकार का गठन कर लिया जाएगा, सोमवार सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की दिल्ली में आखिरी बैठक हुई, इस बैठक में सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को अपने इस्तीफे सौंपे और लोकसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री के आवास 7 रिस्कोस रोड पर हुई, इसमें श्री लालू प्रसाद यादव और श्री रामविलास पासवान समेत सभी मंत्री मौजूद रहे, इन मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को अपने इस्तीफे सौंप दिए। इस्तीफे सौंपने का एक क्रम था वो पूरा हुआ और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हुआ। नई सरकार के गठन के बीच चर्चा तरह तरह की है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री तो तय हो चुका है, लेकिन कौन से विभाग का मंत्री कौन बनेगा ये तय होना अभी बाकी है। और बड़ी बात ये रही, इस बार एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, कोई बार्गेनिंग करने की स्थिति में नहीं है जी, ये बड़ी अच्छी परिस्थिति, ये बड़ी अच्छी परिस्थिति हुई है कि हमें ये पद चाहिए, इतने ही मिलेंगे तब हम सरकार में शामिल होंगे, तू नहीं और सही और नहीं और सही वाली स्थिति है। वही एक कारण है जिसकी वजह से हम शेयर बाजार के ऊपर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि उसी वजह से ही शेयर मार्केट इतना बढ़ा। मैं थोड़ा सा उल्टा करूंगा, देखिए क्या है कि ये शेयर बाजार के ऊपर मार्केट हुआ, ये है आप चूंकि बाजार के विशेषज्ञ हैं, आप लोग इसे बारीकी से समझते हैं, निवेशक और बहुत सारे लोग ऐसे वो ये देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार बड़ी स्थिर आने वाली है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री अब रिजल्ट के बाद की स्थिति है कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो निवेशकों ने अपने माध्यम से अपने अपने जरिए से सोचा होगा। सर 80% GDP जो जनरेट होता है वो हमारे निवेशकों से नहीं होता है, वो हमारे लोगों के कर्म से होता है, इसको आप मार्केट को पूरा इंडिकेटर मत बताइए, मार्केट केवल एक पार्ट इंडिकेटर है जी।
और इसलिए ये सबसे बड़ी गलती है कि हमने मार्केट को पिछले 10 साल में जैसे सबसे बड़ा हमने इसको सबसे बड़ा तोप बना दिया है, जबकि हमने इकोनॉमी को कुछ नहीं किया। चाइना ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, ऊर्जा की परिस्थिति। आज हमारे देश में 1,40,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। शायद न्यूक्लियर के दाव पर लगाने का भी उन्हें लाभ मिला के आपको लगता है? ये सब ये बिल्कुल मानता हूं कि वो अच्छा स्टेप था, लेकिन हम ब्रॉडर इश्यू को देखिए। 1,40,000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है इंडिया जी। और हमारा जो पड़ोसी देश है, जो मतलब रियल पड़ोसी है, चाइना बिगर ब्रदर, उनके हिसाब से हमारे लिए बिगर ब्रदर नहीं है, 5,00,000 मेगावाट के ऊपर कर रहा है। इस वक्त 7,00,000 मेगावाट है। हम वहां 3 गॉर्जियस डैम मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट बन जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मेधा पाटकर आके एक 1,200 मेगावाट के प्रोजेक्ट को रोक देती है। देखिए बड़े मैक्रो इश्यूज हैं, इसको केवल बाजार से लिंक करना मेरे हिसाब से गलत है। एक मैक्रो परिस्थिति समझिए, क्या हमारे को स्थिर सरकार देने से? आपने अपना पॉइंट $1.2 trillion जीडीपी इज नॉट स्टॉक मार्केट, That is done by 80% of Indians. Let us congratulate them. क्या वो भी आप उससे? बिल्कुल, हमारे किसान भी कर रहे हैं काम, उनको भी आगे लाइए। हमारे राजनीतिक भी अच्छे वाले 10% हो, वो भी काम कर रहे हैं। हमारे पूंजीपति हैं, कुछ आशा बंधी है शायद, बिल्कुल ये पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक मार्केट नहीं। स्टॉक मार्केट इसका एक ही सिंपल, स्टॉक मार्केट में अभी बिल्कुल नहीं। इंडिया इज एन एलिफेंट, इंडिया इज नॉट अ टाइगर, इंडिया इज अ व्हाइट एलिफेंट सर। नहीं, आई विल नॉट अग्री फॉर व्हाइट, राइट नाउ इट इज व्हाइट एलिफेंट, लेट अस मेक इट अ रियल एलिफेंट। इंडिया ने जो स्पीड है, जो चाइना की स्पीड का कंपेयर करते हैं, इट विल बी अ वेस्ट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि टाइगर को और एलिफेंट को कंपेयर नहीं कर, लेट मी फिनिश, कंपेरेबल नहीं है। वो टाइगर है, उस स्पीड में हमसे आगे रहेगा, लेकिन हम एलिफेंट है, उनसे कहीं बेहतर है। कहीं कहीं जगह पे मैं आपको बताऊंगा कहां कहां बेहतर है। सिर्फ ये कहना कि इंडियन रेस मैं बताता हूं आपको, एलिफेंट उतना फास्ट दौड़ नहीं सकता, लेकिन स्टैमिना टाइगर से ज्यादा है, तो आप उसका क्रेडिट नहीं वापस ले सकते। मैं आपको बताता हूं कैसा, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं सर, मैं आपको इंडिया है, इट्स अ बेटर टाइम टू गो अहेड देन चाइना। मैं आपको उसका 2-3 पॉइंट्स बताता हूं, यू माइट डिसएग्री विद मी, लेकिन ये हमारे पॉइंट्स हैं जिस पे हम काम करते हैं। 25 साल That is your call. मैं आपको बता रहा हूँ 25 साल। जी, अगर हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मुझे बोलने देखे तो जान जल्दी हो जाएगा। ठीक है, शायद जल्दी हो जाए। गुजरात का जीडीपी जो अगर आप देखे लास्ट 10 सालों में 13.5% रहा है, और चाइना की ग्रोथ रेट 11%। प्लीज लेट मी फिनिश, लेट मी टॉक अबाउट समथिंग, देन वी गो फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, फिर इंडिया की बात करें तो सिर्फ गुजरात 13.5% से ग्रो हुआ है, और चाइना 11.5% से ग्रो हो रहा था। तो गुजरात जैसे स्टेट ने चाइना को लास्ट 10 साल में हराया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। नाउ इंडिया का जो टोटल एवरेज आता है, ये भयंकर और गलत एग्जांपल, बिहार और यूपी से आता है, ठीक है, जिससे एवरेज कम हो जाता है। आंखों पे सर रोशनी होते हुए भी कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरात इज नॉट कॉम्पीटिंग विद इंडिया, गुजरात इज कॉम्पीटिंग विद सिंगापुर। तो आप इस मॉडल को लेकर पूरे इंडिया पे लगा रहे हैं? नहीं, हम जीडीपी की बात नहीं, कंपटीशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। जीडीपी तो आंकड़े हैं, आंकड़े में कंपटीशन कहां से आ गया? बिल्कुल नहीं, ये आपकी, मैं इस पूरी परिस्थिति में होता हूं, हमको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को पहले रोक लेना चाहिए कि ये बात नहीं करे। यही स्क्यूड डेवलपमेंट मॉडल के खिलाफ मैंने इंडिया ब्रांडिश बुक लिखी थी। इंडिया अगर एक तरह से ग्रो नहीं होता, बिहार नहीं ग्रो होता, यूपी नहीं ग्रो होता, तो मैं बोलता हूं इंडिया कभी नहीं ग्रो होगा। वहां 40% इंडिया की पॉपुलेशन है। इस बात आप मेरी बात से कर रहे हैं? नहीं, मैं यही बोल रहा हूं, आपको अपोज कर रहा हूं। आप गुजरात का मॉडल, आप गुजरात की ग्रोथ का मॉडल लगा देश की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, मैं देश की बात कर रहा हूं, वही बात आप समझ गए। दोनों बातें नहीं, मैं एक ही बात समान नहीं है सर, बिल्कुल समान। ये गुजरात का एग्जांपल देना बहुत गलत है, गुजरात बिल्कुल कॉम्पीट नहीं कर रहा हमारे बाकी से। गुजरात का नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसा एक राजनीतिक मिला है, उसके ऊपर कितना लांछन लगाइए, लेकिन उस आदमी ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिक्स और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स में उसने पीएचडी कर लिया है। इंडिया बिलीव करते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं बिलीव इन कॉम्पिटिशन, यू बिलीव इन पॉलिटिक्स। मैंने इंडिया के फेवर में किताब लिखी, इंडिया इज अ ब्रांड, लेकिन मैं भी मान लीजिए, लेकिन मैं बोलता हूं, मैं डोंबली से यहां तक कार लेके आता हूं, मैं सायन तक पहुंचता हूं 45 मिनट में, सायन से मेरे ऑफिस दादर पहुंचता हूं और 45 मिनट में, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, सत्य पे आइए, आंखों पे अंधे मत बनिए, आपके अंधे नाम नैन सुख नहीं हो सकता। चलिए हम आते हैं लौट के बाद, हम संजय जी के पास आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। संजय जी इस बहस में एक मध्यमार्गी का भूमिका निभा रहे हैं, तो शायद कुछ बोलते भी बातें छीन ली जा रही है, कुछ आपके पास आपके पास आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, और अर्थव्यवस्था के बीच जिस तरह के पेच आते हैं, जो बातें जनता के बीच में जाती हैं, जनता से आपके बीच में आती हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स जो उस विषय को बात करते हैं, उसके बीच की कुछ विषय हमारे पास रह जा रहे हैं। इस
पूरे बहस का मतलब यह है कि आप सचेत रहें, आप सजग रहें इन्वेस्टमेंट को लेकर, और बहुत सारी राय हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। आपके पास भी कोई सुझाव हो तो आप हमारे एक्सपर्ट्स तक हमारे जरिए भी पहुंचा सकते हैं, और हम तक भी आपके सुझाव, हम आपका स्वागत करेंगे आपके सुझाव का। इसके लिए आपको हमें मेल करना होगा, मेल करने के लिए आप हमारा पता, आपको पता ही है, nnv@sahara.com माफ कीजिएगा nnv@sahara.com, और साथ ही साथ आप हमें SMS भी करते रह सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना होगा nnv स्पेस देकर अपना नाम, स्पेस देकर आप जहां से हमें देख रहे हैं वहां का नाम, और फिर स्पेस देकर अपना संदेश हमें 5990 पर भेज दीजिए, 5990 पर। संजय जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। मैं इन्हीं दोनों महानुभावों की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो मैं बोल रहा हूं इन्हीं की बातों से मैंने निकाला है। हाँ। सबसे बड़ी बात, जब कंपैरिजन हो रहा था चाइना और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का, जी इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ रेट है वो ज्यादा क्यों नहीं है, मेरे हिसाब से उसका कारण हम सब जानते हैं, वो था पिछले कुछ सालों के अंदर राजनीतिक अस्थिरता। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ आपको टेलीकॉम का। टेलीकॉम के अंदर पिछले एक साल दो साल के अंदर क्या हुआ हम जानते हैं। जो टेलीकॉम के बैंडविड्थ की नीलामी जो थी वो कई बार हुई रुकी। जी, जी। वो क्यों रुकी? इसके लिए क्योंकि हमारा वित्त मंत्रालय किसी के पास था, हमारा रक्षा मंत्रालय किसी के पास, और हमारा टेलीकॉम मिनिस्ट्री किसी और के पास। ये राजनीतिक स्थिरता, जब सब विभागों तीनों के बीच में ही आपस में ही सामंजस्य नहीं था इनके बीच में। ये एक जगजाहिर बात है कि जो टेलीकॉम के ऊपर जो भी मसला हुआ वो ये तीन मिनिस्ट्रीज के आपस के विरोधाभास की वजह से ही हुआ जी। और अगर राजनीतिक स्थिरता आती है तो राजनीतिक स्थिरता के अंदर जो मुख्य पोर्टफोलियो है वो किसी एक पार्टी के पास में जाते हैं, तो मेरे हिसाब से जो विचारों का मतभेद है वो अपने आप खत्म होगा। और विचारों का मतभेद अगर खत्म होगा तो उसका फायदा हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा तो वो पूरे देश को मिलेगा। इसमें मैं थोड़ा सा काउंटर करना चाहता हूँ, ये सही बोल रहे हैं लेकिन ये एक लेकिन बात भी आप काउंटर कर नहीं, उसका कारण है सर, आप बोल रहे हैं कि केवल राजनीति से हुआ, लेकिन हमें मेन परिस्थिति देखनी चाहिए। हमारे को आज $500 बिलियन चाहिए बिजली, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये $500 बिलियन हमें अगले 2 साल में लगाने हैं, और अगर हमें अगले 10 साल में लगाने हैं तो हमको इससे कम से कम 7 गुना पैसा चाहिए। मतलब हम अपनी GDP के साइज का पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप समझिए ये पैसा आएगा कहां से। तो हमको केवल राजनेता के कैलकुलेशन से बात नहीं करनी चाहिए, हमें करना चाहिए कि ये देश प्रोडक्टिव कैसे बने। लेकिन सारा कुछ अगर ऊपर से सोल्यूशन भी है मेरे पास, इसका सोल्यूशन भी है। देखिए क्या है, रास्ता सही है, सोच सही है, लेकिन सोल्यूशन गलत है। हम ये बोल रहे हैं कि राजनेता अगर स्टेबल हो जाए तो कर दे। स्टेबल तो हमने 40 साल सरकार दी थी कांग्रेस की, तब क्या किया? एक मैं बोलता हूं इस कंट्री में दूसरी गवर्नमेंट कांग्रेस के खिलाफ आके 5 साल चला सकी, इसने ही कांग्रेस को इंप्रूव किया। और अब कांग्रेस पर अपॉर्चुनिटी ये दिखाना कि US में जैसे आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम में 2-पार्टी सिस्टम आया है जिसमें अच्छी राजनीति होती है, ऑपोजिशन भी अच्छी बात करती है, इस वक्त बीजेपी भी अच्छी बात कर सकती है। अगर ये दोनों पार्टी, मैं बोलता हूं रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, देश का सोचें और पूंजी लाने की सोचें, इसको सबसे बेस्ट मार्केट बनाए दुनिया का, मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एरिया, स्टॉक मार्केट नहीं, इसमें स्टॉक मार्केट सत्ता पक्ष का बड़ा रोल होगा बिल्कुल, और अपोजिशन बिल्कुल तब तक नहीं आएगी जब तक हम उसी राजनीति को फॉलो करें जो कि, अरे भाई जब तक सत्ता के गलियारे में चित्तौरपट का खेल चलता रहेगा, एक दूसरे की खेल होता रहेगा। 40-50 साल मेरे को बताइए देश में, अगर मैं एकदम सामने में आपको कमेंट करूं कि मुसलमानों को एजुकेशन देना ही नहीं है, इसमें कांग्रेस का उतना हाथ है जितना बीजेपी का हाथ होगा। बीजेपी तो केवल 5 साल रूल कर गई, NDA, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, 40-50 साल आज नहीं, बिल्कुल सही है, पॉलिटिकल बात ही है, नहीं बिल्कुल ये पॉलिटिकल भी है, राइट पॉलिटिकल बात है। राजीव गांधी ने आकर नेहरू की राजनीति को तोड़ा, तो अब इनके अंदर है कि ये जानबूझ के राहुल गांधी को अननेसेसरी पार्टी में मंत्री ना बनाए, अपने कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग करें। अगर ये करते हैं तो कांग्रेस को कभी नहीं कोई भी ऑपोजिशन मिल पाएगी और कांग्रेस हमेशा जीतेगी। अगर वो राजनीति में आए, मैं आपको बता रहा हूँ राजनीति में तो आ गए, और राजनीति इसका शिल्पकार उन्हें माना जा रहा है, एक तरह से वो शिल्पकार है, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और नहीं इकोनॉमी को बनाने के लिए कोशिश करें, राजनीति के बारे में बात नहीं करें। अचानक कुछ कल नहीं, एक व्यक्ति से कुछ होना नहीं है, लेकिन नहीं होगा, लेकिन एक उससे देखकर युवा वर्ग, जो हम बात कर रहे हैं कि युवा वर्ग भी इसमें आकर्षित हुआ, युवा वर्ग ने सरकार बनाने में जो बहुत बड़ी भूमिका रही, युवा वर्ग आकर्षित होकर आया इसमें, इन्वेस्टर्स का नो डाउट, जितने युवा वर्ग का कोई सवाल ही नहीं है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत पुअर है। आज हमारे पास वी आर द यंगेस्ट नेशन,
तो युवा नहीं आगे आएगा तो कौन आगे आएगा? जब अगर आपका नंबर गेम के अंदर युवा सबसे ज्यादा है, नंबर ही सबसे ज्यादा है, तो वही आगे आने वाला है। तो इट्स अ कॉमन सेंस, उसने करके बताया। सर, ठीक है, युवा वर्ग में 33% वोटिंग हुई मुंबई के अंदर, 33-35% ये युवा है, सबसे युवा बंबई है, मुंबई नहीं, ये मानता नहीं, बिल्कुल मुंबई इज द बेंचमार्क ऑफ इंडिया एंड पीपल आर नॉट वोटेड। So let us come to the fact. नहीं, हर जगह पर नहीं। ये आपकी पूरी आर्ग्यूमेंट गलत है और आप गलत नहीं, नहीं, वो एक अलग मुद्दा, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दा सही है आपका, काम वाला मुद्दा है, युवा को वोट ने कहीं ना कहीं जो एक अस्थिरता थी। मैं 40 साल का बंदा हूँ, मैं भी युवा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा युवा आ गए। अरे अब तो 60-60 साल के लोग युवा होते हैं। नहीं, वो छोड़िए, 40 साल का बंदा हूँ, मैं बोलता हूँ युवा हूँ। अगर मैं राजनीति में जाऊँ, सबसे पहले मैं प्लानिंग कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एज 50 कर दूंगा, 50 के ऊपर आदमी, सर सारे रिटायर्ड आदमी हमारे प्लानिंग कमीशन में जाते हैं। मोंटेक साहब कैसे लीडरशिप लेंगे, क्योंकि उनके आसपास सारे बूढ़े हैं। नहीं, अब हो सकता है वो आ जाए। नहीं, उनको बिल्कुल चेंज करना चाहिए, जो राहुल गांधी ने किया पार्टी के अंदर कि सारे युवा डाले 25-30, अगर पॉलिटिक्स में युवा डाले हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में डालिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब तक आगे नहीं आएगा, देश के गटर, देश के रोड कभी सीधे नहीं होंगे, हम कभी कंपीट नहीं कर पाएंगे बड़े देशों जी। रुपाली साहब, होना है, आगे चलते हैं हम। स्ट्रीट, आज जो बाजार बड़ा है, ठीक है, तो बाजार की क्या अपेक्षा थी? बाजार की अपेक्षा क्या थी? बाजार सोचकर वो मैं आपको बता, ये अचानक उसे लगा कि थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, 2100 पॉइंट। लौटते आपके और संजय जी के पास में एक छोटे से ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम लौटते हैं और कुछ बातें जो छूट रही हैं वो अपने अतिथियों से करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब हम अपनी चर्चा को अंजाम तक पहुंचाएं, इससे पहले कुछ और बातें जो छूट रही थी, जिस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, इसके बीच में बहुत सारी बातें सही हुई, अच्छी और राजनीति से जुड़ी हुई, राजनीतिक थोड़ा सा जो झाड़ू बन लाने की भी बात है और युवाओं को आगे लाने की बात है, और प्रोफेसर अय्यर साहब की बात अगर सही लोगों तक पहुंच जाए तो शायद युवा वर्ग इस बार देश का वित्त मंत्री भी बने और योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी बने और अर्थव्यवस्था से जुड़ी जितनी भी इकाइयां हैं हर जगह युवा को बिठा दिया जाए और सारे लोग, हर इकाई अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, हर इकाई अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, घर गृहस्थी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है भाई, इससे क्या अपेक्षा है, आपको क्या लगा? ठीक है, आज जो बाजार बढ़ा है 2100 पॉइंट, बेसिकली स्ट्रीट का एक्सपेक्ट कर रहा था जी, स्ट्रीट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टेबल गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारी जो उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, ठीक है, वो पूरी हो जाएगी। अब वो इमीडिएटली 100 दिन में पूरी होगी, 1 साल में पूरी होगी या 5 साल में पूरी होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये चाहते हैं कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हो जाए, ठीक है, 2010 अप्रैल में। नेक्स्ट चाहते हैं कि एफडीआई और एफआईआई रिस्ट्रिक्शन जो है इंश्योरेंस सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में और रिटेल में, ये रिलैक्स हो जाए। बैंकिंग में रिफॉर्म्स हो, बड़ी बैंक छोटी बैंक को टेक ओवर कर ले, थ्रस्ट ऑन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रहे, इंटरेस्ट रेट्स लो रहे, ठीक है, और अपना जो रुपया है वो मजबूत हो। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, बाद में डी कंट्रोल ऑफ ऑयल एंड गैस पॉलिसी। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, NELP 8 का ऑक्शन शुरू होने वाला है, हम चाहते हैं कि इसमें भी रिफॉर्म्स आए और बहुत बाहर के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। कोल और आयन ओर की माइनिंग पॉलिसी हुड्डा कमेटी ने दी थी, ठीक है, उसका इंप्लीमेंटेशन आज 5 साल से नहीं हुआ, उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये आज बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था और अभी स्टेबल सरकार आने से इनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। तो ऐसा लग क्या ये शॉर्ट पीरियड में मीट होगी कि नहीं, ये सवाल या निशान है। अगर इस तरह की बातें होती है, जो सजेशन आपके हैं, जो मार्केट में अपेक्षाएं थी कि इस तरह से होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली लड़खड़ाने की बात है। एक्सपेक्टेशन अगर नहीं होती है तो डिसअपॉइंटमेंट होगा और तब शेयर बाजार जरूर घिरेगा, लड़खड़ा। तो हमें ये सोचना है कि हमारी एक्सपेक्टेशन सही है, हम एक गवर्नमेंट से 100 दिन में क्या मांग रहे हैं, कैन एनी गवर्नमेंट डिलीवर सो मेनी थिंग्स इन 100 डेज, हमें इसको थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा तब हमारी एक्सपेक्टेशन मीट होगी। अगर हम छोटे समय में बड़ी एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो डेफिनेटली ये डिसअपॉइंटमेंट में रिजल्ट होगी जी। अच्छा सर, मेरा कहना है, बड़ा सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूँ देश को, बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है यूपी गवर्नमेंट को और मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि वो राजनीतिक भी बन गए, अब अर्थव्यवस्था में पहले थे, अब राजनीति भी सीख गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी उनकी राजनीति का मैच्योरिंग न्यूक्लियर डील था, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की भी बात मानी नहीं थी और वो अपने रास्ते पे गए थे। और मैं वो दिल की बात मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने एक फुट रखा कि इस पे अगर मेरी सरकार चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस स्पिरिट को आगे लेना चाहता हूँ, क्योंकि देश की पूरी जो सक्सेस है वो ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था है। आप अपने देश के मेजॉरिटी ऑफ द नागरिक, मतलब 80% नागरिक को आप 16 से 17 घंटे बिजली नहीं देंगे, इस तरह की अर्थव्यवस्था मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए कि इनके पास बिजली मिले, मैं नहीं चाहता हूँ कि इनको लालटेन बेच जाए, बिजली दी जाए इनको।
दूसरा बात है, हमें उठना पड़ेगा। अब ये टॉपिक मैं जरा सामने डाल रहा हूं आपके नेशनल चैनल पे, ग्रीन एनर्जी। देखिए, कोयले से बिजली का उत्पादन इस देश के लिए और दुनिया के लिए और सबके लिए डेंजरस है। हमें सौर ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, आपका रिन्यूएबल्स, चाहे बायोमास से बने, सबसे हमें गाड़ियां भी बायोमास से चलाना चाहिए। मेरा एक दोस्त है जिसने बायोडीजल पे गाड़ी मारुति अपनी चलाता है V2005, लेकिन इस देश में बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो उसके टेस्ट को नहीं कर रही है। आज उसके साथ कम से कम 2 लाख फार्मर इन्वॉल्व है कर्नाटक और इसके, लेकिन वो बेचारा अपनी गाड़ी चलाता है। आज पेट्रोल पंप नहीं बने हैं बायोडीजल से चलने के लिए, क्योंकि जत्रोफा की राजनीति वर्सेस शुगर राजनीति बीच में आ गई है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कौन है ये दोनों, आप समझ गए होंगे सारे लोग। तो हमें ये जो पर्सनल इंटरेस्ट है इनको छोड़ के देश को आगे लगाने का, मतलब आगे ले जाने का, हमारी कंपटीशन दुनिया के बराबर के देश में है। अगर हम उनकी बराबरी करना चाहें तो हम 100 मीटर थोड़ा सा हटकर 100 मीटर की रेस हमारी है तो हमें 9 सेकंड में पूरी करनी है, और ये 9 सेकंड में पूरा नहीं करके 12 सेकंड में पूरा करना चाहें तो दुनिया की लेडी रनर भी हमको हरा देगी। हमें 6 यार्ड का हैंडीकैप नहीं चाहिए, हमें दौड़ना है इस देश को। अगर दौड़ना है तो हमें अपनी ऊर्जा, अर्थव्यवस्था दोनों को क्लियर करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड इकोनॉमी, इस तीनों को लेकर आगे चलेगा तो देश जरूर जीतेगा। इसमें कांग्रेस, यूपीए, एनडीए का कोई सवाल नहीं है। इसमें ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स खेले, पॉजिटिव राजनीति हो जी, हमें कॉम्पिटिशन में जाना चाहिए। जी बिल्कुल संजय जी, एक सार के जिस तरह का बाजार आया उससे लोगों की उम्मीदें और उसमें बहुत सारे सुझाव। देखिए, जहां तक लोगों की उम्मीदों का सवाल है, उम्मीदों के साथ में मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जब बाजार गिरा था तब क्या क्या कारण थे। खाली राजनीतिक अस्थिरता एक कारण नहीं थी, उसमें कारण ये भी था कि हमारी इंटरेस्ट रेट्स थी वो ज्यादा हो रही थी, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ रहा था, बेरोजगारी थोड़ी थोड़ी आ रही थी, डिमांड रिसेशन, जो मैंने पहले भी ये शब्द यूज किया था, डिमांड रिसेशन मार्केट में आया हुआ था। कुल मिला के 8, 9, 10 फैक्टर थे जिसमें से राजनीतिक स्थिरता एक फैक्टर था। आज सिर्फ एक फैक्टर उसमें से गायब हुआ है, राजनीतिक स्थिरता आ गई है, लेकिन बाकी के 8-9 फैक्टर अभी भी मार्केट में विद्यमान है। तो उन पर काम करने की जरूरत, इसलिए हमको उस उससे कहीं ना कहीं वो राजनीतिक स्थिरता से जुड़े हुए रहे होंगे। मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि इसमें कई फैक्टर ऐसे हैं जो बाहरी कारणों पर भी डिपेंडेंट है, जो ग्लोबल सिचुएशन पर भी डिपेंडेंट, जिसमें हमारी राजनीति ज्यादा कुछ कर नहीं सकती है। इसलिए मेरा खाली एक ये सतर्क करने का विचार उद्देश्य है लोगों को, मार्केट को, कि इस राजनीतिक स्थिरता को लेकर बहुत ज्यादा मार्केट को उल्लासित या प्रफुल्लित नहीं होना नहीं चाहिए।, चाहिए और एक एक सतर्कता जो है वो हर निवेशक में, भले ही वो छोटा हो, भले ही वो बड़ा FII हो या हमारी इंश्योरेंस कंपनी हो, सब में एक सतर्कता रहनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर, इस उतार चढ़ाव के अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहीं ना कहीं आ जाती है। तो मैं खाली जरूरत इस बात की एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं और मैं इस पे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये पूरी डिस्कशन के बाद अभी मैं सहमति पे आया हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू, कॉशन, ये दोनों वर्ड बहुत जरूरी है। छोटा निवेशक छोटा होता है और छोटे निवेशक से बड़ी चीजें बनती हैं, उसको मत खत्म करिए इसके अंदर, उसको बोलिए जरा रुको, उसको बहुत ज्यादा उत्साहित होने की और उल्लासित होने की जरूरत है, इसको हम जरा आराम से टेस्ट करें। आप उल्लासित होइए, उत्साहित होइए, लेकिन सरकार को समय दीजिए और साथ में बाजार को भी समय दीजिए। बिल्कुल, दोनों को और सरकार को दोनों को समय चाहिए। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि वर्ड ऑफ कॉशन तो बहुत जन दे देते हैं, और जब बाजार 3000 से जब चला था तब 7000 में, 10000 में, 15000 में सब कॉशन ही कॉशन आए थे और उसमें अपॉर्चुनिटी चली गई थी। तो कॉशन लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से लेना चाहिए, अपना कितना इन्वेस्टेबल है मार्केट में वो देख के लेना चाहिए। सिर्फ अगर अगला अपने को कॉशन देता है तो उससे कॉशन नहीं लेना चाहिए आपको, हाँ अपने हिसाब से चलना चाहिए, ये राइट एडवाइस होगी। और पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, कितना कैश रखना चाहिए, कितना डिवर्सिफिकेशन रहना चाहिए, ये सही तरीका है। आप कोई भी मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो कमाएंगे। यहाँ ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं स्मॉल इन्वेस्टर और बिग इन्वेस्टर, इसमें कोई एक ही इन्वेस्टर होता है, एक ही टाइप के इन्वेस्टर, डिसिप्लिन और अनडिसिप्लिन इन्वेस्टर होता है। स्मॉल और बिग, स्मॉल और बिग करके कोई होता ही नहीं है। स्मॉल इन्वेस्टर आज कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, डिसिप्लिन इन्वेस्टर होता है, डिसिप्लिन और अनडिसिप्लिन होता है। ये अनडिसिप्लिन इन्वेस्टर की बातें कर रहे हैं। की बात से सहमत हूँ कि अगर बीमा कंपनी माल खरीदती है तो पैसा उसमें छोटे निवेशक का ही लगा हुआ है, तो स्मॉल और बिग कोई आर्गुमेंट होती नहीं, पैसा मेरा और आपका ही लगा हुआ है उसमें। म्यूचुअल फंड अपने घर से पैसा छाप के नहीं लाता है। अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड, ये बहुत जरूरी है। और मैं आज चैनल में बोलना चाहूंगा कि इनकी बात नहीं माने इतनी जल्दी, और बिल्कुल शांति से जाएं, आराम से सोच समझ के, वही कह रहे हैं, ख्याल करिए वक्त। मैं भी एक रिस्क करूं, मैं बिजनेसमैन भी हूं, जब मैं मीडिया कंपनी चलाता हूं मैं फिर भी वर्ड ऑफ कॉशन के साथ रिस्क लेता हूं। रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, बेवकूफी का रिस्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें सांड जैसा हमारा दिमाग माना जाएगा जी। तो ये काम सांड गिरी नहीं करे एकदम, एक बात से तो तीनों कम से कम आप
खासकर मैं तो, आप दोनों की बात से एक जगह सहमत है कि थोड़ा वक्त देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, राजनीति को भी करना चाहिए, बाजार को भी और इन्वेस्टर्स को भी सोच समझ कर इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और मनमोहन सिंह साहब बिल्कुल सही ढंग से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इस वक्त चारों तरफ से कोई ऐसा नेता नहीं है मेरे हिसाब से, आडवाणी साहब फुली ही वॉज नॉट कैपेबल ऑफ बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। ये मेरा कुछ बयान आपके थोड़े से विवाद से जरूर है, लेकिन अगर आडवाणी साहब अगर सबको लेकर चलते, अगर वो इस बड़ी बात करते और ये अपने आसपास के वाजपेयी की तरह हिंदुत्व लॉबी को छोड़ देते तो ये राजनीति अलग होती बीजेपी की, तो फिर शायद फिर स्थिति यही होती कि हम डेवलपमेंट पॉलिटिक्स करते सर। आज हम मार्केट के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे, हम मार्केट पर नहीं, फिर त्रिशंकु सरकार पर डिस्कशन सर, ये डेवलपमेंट पॉलिटिक्स नीचे के सर्किट पर डिस्कस कर रहे हो। देखिए नहीं, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों लिंक्ड है, हम पॉलिटिकल इकोनॉमी में इसी बात को शायद इसी बात को यूपीए ने समझा और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बात को समझा कि हम रिकार्डियन प्रिंसिपल्स में, हम माइकल पोर्टर के प्रिंसिपल में नहीं है। रिकार्डियन 1964 का अमेरिका इज इक्वल टू टुडेस इंडिया एंड वी आर इन गुड टाइम, लेट अस थिंक ऑफ रिकॉर्ड। शायद इसीलिए उनका उन्होंने इस बात को समझा और आगे बढ़े और कामयाबी उनके हाथ लगी। आप लोग आए और बहुत बहुत सी बातें हुई, कुछ बातें छूटी है, लेकिन दोबारा हम कोशिश करेंगे कि इस विषय पर फिर से चर्चा रखें और मार्केट के उतार चढ़ाव पर फिर कभी आप लोगों से बात होगी। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धन्यवाद। हमारे साथ तीन एक्सपर्ट्स बाजार पर, उनके कुछ खास कमेंट आपने सुने, कुछ बातें आपको कुछ सचेत किया गया, सरकार और इन्वेस्टर्स के बीच के जो चीजें छूटी हैं उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात तीनों ने मानी है कि थोड़ा सा वक्त सरकार को भी देना होगा और जितना उछाल आया है उसमें उत्साह और उल्लासित होने की तो जरूरत है, लेकिन इतना भी नहीं कि पांव चादर से बाहर चले जाएं। फिलहाल के लिए न्यूज एंड व्यूज विद सलमान में इतना ही। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं जाइएगा नहीं, सारा समय मुंबई पर लगातार बने रहेगा। सारा प्रणाम।